मैं आजकल काफी ज्यादा एंग्जायटी फेस कर रहा हूँ, तो मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? सबसे पहली बात जो मैं हरे को बोलता हूँ वो है एक्सहेल डोमिनेंट ब्रीदिंग। एक्सहेल डोमिनेंट ब्रीदिंग क्या है? आपने 4 सेकंड इनहेल करना है, 4 सेकंड इनहेल, देन होल्ड योर ब्रेथ फॉर 2 सेकंड एंड 8 सेकंड का एक्सहेल। ये आप 1 से 2 मिनट करेंगे जब भी आपको कोई ऐसी सिचुएशन आप फेस करते हैं जिसके अंदर आप एंशियस हैं। वैसे रेगुलरली आप दिन में 2 से 3 दफा करें, ट्रस्ट मी, ओवरऑल एंग्जायटी का लेवल आपका काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। दूसरी चीज, कभी जिंदगी में वो जगह नहीं छोड़नी जहां जाने से आपको एंग्जाइटी फील होती है। अगर आप वो जगह पे नहीं जाएंगे जहां पे आपको जाने से एंग्जाइटी फील होती है या तो वहां होने से एंग्जाइटी फील होती है, इसका मतलब ये है कि एंग्जाइटी आपको कंट्रोल कर रही है। अगर एंग्जाइटी को आप कंट्रोल देंगे वो और पावरफुल होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट डाउन व्हाट यू आर थिंकिंग। जो भी आपके दिमाग में चीज चल रही है उसको लिखें पीस ऑफ पेपर के ऊपर एंड देन सी हाउ यू फील अबाउट इट। आस्क योरसेल्फ व्हेदर व्हाट यू आर थिंकिंग इज ट्रू और नॉट। एक और चीज जो मैं सबको बताता हूँ, कोल्ड प्लंज। अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है ठंडे पानी के अंदर 2 मिनट लिए जाएं, इट विल डेफिनेटली टेक योर माइंड ऑफ ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर थिंकिंग। एक और बात, गो आउट फॉर अ वॉक। Just go out for a walk. Walks make everything perfect. Go out for 10 minutes. Look at trees. Look at the grass. Smell everything. Just be present in the moment and you'll feel a huge difference. These points have changed my life and they will change yours.